नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज 24x7 और आपके साथ मैं हूं विष्णु शर्मा। और इस वक्त की बड़ी खबर, चोरों का आतंक, किन्नर के घर पर चोरों ने किया धावा। रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अली नगर मोहल्ले में रहने वाली टीना नाम की किन्नर के घर में दीवार फांद कर कमरे का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी समेत लाखों का सामान पार होने से आसपास मोहल्ले में हड़कंप। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आगे की कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि परिवार के सभी सदस्य घर पर सो रहे थे। सुबह जब नींद खुली तो देखा घर का पूरा सामान फैला पड़ा हुआ है और अलमारी का ताला टूटा पड़ा हुआ है, जिसमें 15 तोले सोने, 1.5 किलो चांदी और 4 लाख नकदी पार हो गया। करीब 13 लाख की चोरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं पीड़िता द्वारा स्थानीय थाने में एक शिकायती पत्र दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता में लेते हुए आगे की जांच बढ़ा दी है। ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के साथ रायबरेली से अवनीश पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हिना किन्नर। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं यहीं की रहने वाली हूँ। आप क्या है कि चोरी का मामला सामने आया, कैसे क्या हुआ है? हाँ, मेरे यहाँ चोरी का मामला आया। मेरा पुराने वाले घर में जो है हम लोग उसी में रहती, खाना पीना सब कुछ उसी में रहता है। आए तो दिन भर तो उसमें रहती हैं, शाम को हम लोग इसमें आ जाती हैं, लेटने बैठने आराम करने इसमें आ जाती है, नए मकान में। ढोलक वाला हमारा लेता था। क्या नाम है ढोलक वाले का? ढोलक वाले का नाम है मुन्ना। आगे कमरे में लेटा था, उस सोया था रात में और सुबह देखा तो ताले कटे पड़े थे, तो उसने फ़ोन किया तुरंत हमारे पास, हम उठते गए वहाँ। ढोलक वाला अक्सर वहीं लेटता है कि जब आता? नहीं नहीं, अक्सर वहीं लेटता है। अक्सर वहीं लेटता है, ठीक है। क्या क्या गया है, कितने का नुकसान हुआ होगा लगभग? अब जो भी हुआ है 15-17 तोला सोना गया मेरा, 1.5-2 किलो चांदी गई है और क्या कहते हैं 4 लाख रुपया, 4-4.5 लाख नगद गया है। पुलिस को सूचना कब दिया गया था? पुलिस को सूचना कर दिया है और रिपोर्ट लिखा दिया है, जिसके ऊपर शक था हमें, हमने उसका नाम लिखाया है। अब पुलिस अपना छानबीन करे, पुलिस अपना कार्रवाई करे।